नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। अद्वैता स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में भी दिखा आंशिक लॉकडाउन का असर। बारिश के कारण बाजारों में भीड़ कम। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच राज्य सरकार की ओर से लागू आंशिक लॉकडाउन का असर राज्य भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिले में भी आज सुबह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हालांकि आज सुबह से जारी आंधी व बारिश के कारण आज सुबह बाजारों में लोगों की भीड़ कम थी, खरीदारों की संख्या बहुत कम थी। खरीदार और विक्रेता सभी मास्क पहने हुए थे, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोग अभी भी मास्क नहीं पहने दिख रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना की इस दूसरी लहर का सामना करने के लिए आम लोगों ने राज्य प्रशासन को सहयोग का हाथ बढ़ाया है। बड़ा सवाल आकर कब तक चलेगा बंगाल में आंशिक लॉकडाउन। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन तारीखों का नहीं किया है ऐलान। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही सरकार को आम आदमी का ख्याल आया है। आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो लागू भी हो गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को यह बड़ा फैसला किया। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि होम डिलीवरी व ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने सभी बाजार हाट के खुलने व बंद करने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। अब से सभी बाजार दिन में सिर्फ 2 बार खुलेंगे। बाजार हाट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी राज्य में मिनी लॉकडाउन का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा। डरावनी और भयावहक रिकॉर्ड, ना जाने और कितनी तबाही का मंजर दिखाएगा कोरोना संक्रमण। भारत में एक दिन में 4 लाख केसेस आए, 3,522 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना वायरस तबाही का और कितना खतरनाक मंजर दिखाएगा यह किसी को नहीं पता। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 4 लाख से अधिक पॉजिटिव केसेस सामने आए। यह अपने आप में डराने वाला रिकॉर्ड है। देश में शुक्रवार को कोरोना के अब तक के सर्वाधिक 4,02,110 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,91,57,094 हो गई है। साथ ही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 32 लाख पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को एक दिन में 3,522 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इस तरह से कोरोना संक्रमण के कारण अब तक दम तोड़ चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,11,836 हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, अब यह बढ़कर 32,63,936 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.90% है। लोगों के ठीक होने की दर गिरकर 81.99% हो गई है। देश में अब तक 1,56,73,003 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 1.11% है। जलपाईगुड़ी जिले और पासवर्ती इलाकों में फिर से काल बैसाखी का कहर देखने को मिला। शनिवार तड़के सुबह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी सहित विभिन्न इलाकों में जोरदार आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश के साथ
बिजली भी जमकर कड़की। हालांकि इस बारिश और आंधी तूफान में नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस काल बैसाखी के बाद से लगातार भारी बारिश इलाकों में हो रही है। कोरोना से जंग को जीतने के लिए आज से 18 साल से 44 साल के लोगों को लगेगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में नहीं होगा वैक्सीनेशन। देश भर में आज यानी 1 मई से कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों में आज टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, तो कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आज से टीकाकरण महाअभियान के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों ने टीके की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को टाल दिया है। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र ने गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान टालने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने शुक्रवार को भी अपनी बात दोहराई। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन लगेगी। आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। तो चलिए जानते हैं कहां वैक्सीनेशन लगेगी और कहां नहीं। बता दें कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का तीसरा चरण है। बता दें कि इससे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगती रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्व के पहिलो कीटनाशक औषधि जिसको एक स्प्रे वैक्सीन सर काम गर्छ र फसल में लागने विभिन्न भाइरस, बैक्टीरिया र फंगस बाट हुने समस्त रोगहरू, साथै पातको रस चुस्ने क्रियाहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। लुकिङ फर एन अपर्चुनिटी टु वर्क इन जापान? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arts Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी जिले और पासवर्ती इलाकों में फिर से काल बैसाखी का कहर देखने को मिला। शनिवार तड़के सुबह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी सहित विभिन्न इलाकों में जोरदार आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश के साथ बिजली भी जमकर कड़की। हालांकि इस बारिश और आंधी तूफान में नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस काल बैसाखी के बाद से लगातार भारी बारिश इलाकों में हो रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में आंशिक लॉकडाउन का दिखा असर, बाजारों में भीड़ कम। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते कहर के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से लागू आंशिक लॉकडाउन का असर राज्य भर में देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी आज सुबह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। शनिवार यानी आज से उत्तर दिनाजपुर जिले में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल्स, स्पा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। बाजार हाट सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे। इस बीच प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि जब तक बिल्कुल जरूरी कार्य ना हो तब तक लोग घरों से बाहर ना निकले। हालांकि उत्तर दिनाजपुर जिले में वाहन सड़कों पर थे, यात्रियों की संख्या कम थी। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर का सामना करने के लिए लोगों ने राज्य प्रशासन को सहयोग का हाथ बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रही है महामारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 96 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के 17,411 नए मामले सामने आए। इसी के साथ रिकॉर्ड 96 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में दी गई है। बुलेटिन में बताया गया कि एक दिन में रिकॉर्ड 17,411 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,23,336 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 28 कोलकाता से, 20 उत्तर 24 परगना जिले से पश्चिम बंगाल में। पिछले 24 घंटों में 13,932 लोग बीमारी से उभरे हैं। राज्य में वर्तमान में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,13,624 है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में कोविड 19 टीके की खुराक की कमी के कारण शनिवार से 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण शुरू नहीं होगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बांग्लादेश में अभी भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई जा रही है। शॉपिंग मॉल से लेकर रेलवे स्टेशन, विभिन्न बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में लॉकडाउन की धज्जियां किस तरह से उड़ रही है या इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।